हेलो एवरीवन, दिस इज काव्या हेयर अगेन। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमें जनरल डिजाइन प्रिंसिपल्स देखने थे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर के लिए, जो प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन फेज में हम स्टडी करेंगे। ओके, फेज के लिए हम स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, हर एक इंजीनियर को पता होना चाहिए, और आप फ्यूचर इंजीनियर्स हो, आपको तो पता ही होना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस द ऑल द डिजाइन प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर। ओके, द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर विच कम अंडर सिज्मिक, सिज्मिक मतलब अर्थक्वेक जोन। ओके, सिज्मिक जोन आर रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट द अर्थक्वेक और सिज्मिक फोर्सेस। देर आर सम डिजाइन प्रिंसिपल्स जनरली कंसिडर्ड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर्स इन अर्थक्वेक जोन। मतलब अर्थक्वेक जोन कैसे, अपने महाराष्ट्र में एक लातूर और किल्लारी करके एक रीजन है जहाँ पे अर्थक्वेक आ चुका है, वो सिज्मिक जोन है। सिज्मिक जोन जहाँ पे अर्थक्वेक अकर होते हैं। ओके, अगर आप कोई भी ऐसे एरिया में कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको ये डिजाइन प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही आपका कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम वन बाय वन ये डिजाइन प्रिंसिपल्स देखते हैं। फर्स्ट इज शेप ऑफ स्ट्रक्चर। शेप ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? शेप ऑफ स्ट्रक्चर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल रेजिस्टिंग द अर्थक्वेक फोर्सेस। सिंपल रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर इज प्रेफर्ड। कोई भी आढ़ा टेढ़ा ऐसा स्ट्रक्चर अगर हम प्रेफर करेंगे तो वो अर्थक्वेक के हिसाब से गलत होता है। ओके, द लेंथ ऑफ बिल्डिंग शुड नॉट एक्सीड 3 times इट्स विड्थ। शेप ऑफ स्ट्रक्चर ये जो प्रिंसिपल है, इसमें मेन क्या होता है कि आपका स्ट्रक्चर सिंपल रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, और जो बिल्डिंग की लेंथ होगी, ओके, लंबाई, वो उसके विड्थ से 3 times ही होनी चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ओके, एंड डिजाइन शुड बी सच दैट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी शुड बी कोइंसाइड द सेंटर ऑफ रिजिडिटी। सीजी जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स सीजी। ओके, वो जो होता है वो कोइंसाइड होना चाहिए सेंटर ऑफ रिजिडिटी से। ये आपका शेप ऑफ स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है। उसके बाद आपका सेकेंड प्रिंसिपल है स्ट्रक्चरल डिजाइन। जब भी हम कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो इट शुड बी प्रॉपरली डन टू सस्टेन ऑल द फोर्सेस कमिंग एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। सो स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन टू अल्टीमेटली फेल इन यील्डिंग रादर देन सडन कोलैप्स। सो क्या होगा कि अगर हम जब भी कोई अर्थक्वेक आ गया तो हमें वार्निंग दे के नहीं आता है, तो उसके लिए ना कुछ कोड्स हम यूज करते हैं। जैसे लिमिट स्टेट डिजाइन एक है जो आप आगे जाके पढ़ोगे, IS 456-2000 करके एक कोड है। ओके, अगर उस कोड के हिसाब से अगर आप पूरा डिजाइन करो कि स्ट्रक्चरल डिजाइन, जैसे बीम हो, कॉलम हो, कितनी साइज होनी चाहिए, कितना स्टील होना चाहिए, कितना कवर छोड़ना चाहिए, ये सब कुछ आगे की बातें जो आप डिजाइन में आगे जाके सीखोगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो स्ट्रक्चरल डिजाइन एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड नेसेसरी प्रोजेक्शंस। अवॉइड नेसेसरी प्रोजेक्शंस मीन्स व्हाट? इन बिल्डिंग शुड बी एनी अननेसेसरी प्रोजेक्शन शुड बी अवॉइडेड। इफ अनअवॉइडेबल दे शुड बी फर्मली विद द मेन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। मीन्स एक अपना स्ट्रक्चर और एकदम बहुत बड़ी वाली बालकनी छोड़ दी जिसका कोई सपोर्ट ही नहीं, कैंटिलीवर करके, मतलब ऐसे बालकनी छोड़ दी तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। जब ऐसे अर्थक्वेक आएगा तो वो बालकनी पहले गिरेगी। ओके, क्योंकि वो मेन पार्ट से प्रॉपरली फर्मली टाई नहीं होगी। सो अगर आप ऐसी चीजें अवॉइड कर सकते तो अवॉइड कर दो। अगर अनअवॉइडेबल है तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स करो, मीन स्टील ज्यादा यूज करो, उसको प्रॉपर मेन बिल्डिंग से कनेक्ट करो। सो ऐसे क्या कर सकते हैं आप, प्रोजेक्शन को एक तो फर्म कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हो। अनादर आपका प्रिंसिपल है सफिशियंट स्पेस बिटवीन एडजेसेंट स्ट्रक्चर। ओके, अगर दो स्ट्रक्चर में सफिशियंट स्पेस नहीं रही, ओके, तो फिर क्या होगा, दोनों स्ट्रक्चर साथ में गिरते हैं। मींस फॉर नॉन कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर बिल्ट एडजेसेंट टू ईच अदर, प्रॉपर केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड कोलिजन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। द रिकमेंडेड गैप विड्थ इन सच अ स्ट्रक्चर वैरीज फ्रॉम 15 mm टू 30 mm पर स्टोरी। ओके, दिस ऑलवेज रिमेंबर। देन कंटिन्यूटी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर मींस continuity in what, the structure should be constructed in such a way that the building act as a single unit, means pura whole ek hi building hai, aisa nahi to ek part idhar building ka wo ek part udhar hai, usme itna gap hai, aise nahi hoga, in hona chahiye, fir kya hota hai wo earthquake ke hisab se galat hota hai। So continuity honi chahiye aapki construction mein। Uske baad hai foundation। Foundation should not rest on loose soil, okay, which will easily settle during earthquake. So
असेसमेंट, पूरी अच्छे से सॉइल चेक करनी चाहिए, सॉइल के सैंपल्स चेक करने चाहिए जहाँ पे आपको फाउंडेशन बनाना है, वो लूज है, लूज होगी तो उस पे हमें उसके लिए हमें थोड़ा उस सॉइल पे काम करना पड़ता है. ओके, उसको सॉइल प्रिपरेशन बोलते हैं फाउंडेशन बनाने से पहले, तो वो हमें करना पड़ेगा अच्छे से. टेस्टिंग करनी चाहिए, टेस्टिंग के बाद फिर ऐसी प्लानिंग करें, ऐसे डिजाइन करने कि वो फाउंडेशन अच्छे से कोई भी फोर्स को रेजिस्ट कर सके, वो सेटल ना हो. सो फाउंडेशन का डिजाइन करते हुए हम ये ख्याल जरूर रखें. उसके बाद है वेट ऑफ स्ट्रक्चर. एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी अर्थक्वेक का फोर्स का इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ स्ट्रक्चर होता है. ओके, जितने आपका स्ट्रक्चर का मास उतना ही अर्थक्वेक का इफेक्ट होगा. मीन्स अर्थक्वेक इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ स्ट्रक्चर. सो क्या होता है, अगर लाइट वेट अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अर्थक्वेक का इफेक्ट भी कम होगा, तो वो सिस्मिक फोर्सेस को रेजिस्ट कर पाएंगे. एंड दैट्स व्हाई द बिल्डिंग शुड बी एज लाइट एज पॉसिबल. ओके, नाउ अवॉइड एडिशंस एंड अल्टरेशंस. दीज आर दी अनदर डिजाइन प्रिंसिपल्स. व्हाट हैपेंस व्हेन ओल्ड, इट इज फॉर दी ओल्ड स्ट्रक्चर्स, सो एडिशन एंड अल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर इज नॉट रिकमेंडेड. इन अनअवॉइडेबल कंडीशन क्रम्पल सेक्शन शुड सुटेबली प्रोवाइडेड, दिस विल फ्रैक्चर व्हेन अर्थक्वेक ऑकर्स. ओके, सो ऑलवेज अवॉइड एडिशन एंड अल्टरेशन. अननेसेसरी बिल्डिंग पे कोई भी एडिशन नहीं करनी. मीन्स अगर फाउंडेशन वीक है तो आप 6 8 और 2 मंजिले बढ़ा रहे हैं तो एडिशन करने की जरूरत नहीं, या फिर अल्टरेशन भी नहीं करना. ये चीजें अवॉइड करना पुराने स्ट्रक्चर के लिए. ओके, दिस डिजाइन प्रिंसिपल इज प्योरली फॉर ओल्ड स्ट्रक्चर्स. ओके, सीलिंग, सीलिंग द सस्पेंडेड सीलिंग शुड बी अवॉइडेड. जैसे मैंने बोला कोई भी बालकनी की सीलिंग होती है वो सस्पेंडेड होती है, तो बड़ी वाली सीलिंग हमें अवॉइड करनी है. एंड द थिकनेस ऑफ सीलिंग प्लास्टर भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 6 mm तक प्लास्टर सफिशियंट होता है किसी भी सीलिंग के लिए. अगर आप बड़ा वाला थिक प्लास्टर लगा तो फिर वो लोड से वो गिर सकती है. सो सीलिंग सस्पे ये हमें अवॉइड ही करनी अगर है तो फिर प्लास्टर उसका 6 mm का, 6 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए. फिर उसके बाद हमारा लास्ट डिजाइन प्रिंसिपल है नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट्स. नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट्स जैसे जो भी पार्ट हमें हमारी स्ट्रक्चर के, अगर हमें आप ऐड करते हो जो स्ट्रक्चर का सिर्फ डेड लोड बढ़ाएगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर का मास बढ़ाएगा, तो वैसे स्ट्रक्चरल पार्ट्स हमें अवॉइड करने चाहिए क्योंकि वो डैमेज करते हैं. सो द कनेक्शन बिटवीन स्ट्रक्चरल पार्ट एंड नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट शुड बी सच अ नेचर दैट द डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल पार्ट्स लीड टू द मिनिमम डैमेज टू दी नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट. क्योंकि क्या होता है, अगर आप बालकनी को अच्छे से रेलिंग वगैरह देते हो वो नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट है, वो कोई भी लोड कैरी नहीं करता, या फिर कोई भी आप सीढ़ी वगैरह बाहर से लगाते हो तो क्या, जैसे अर्थ पे कहता है वो गिरते है, गिरती आपका स्ट्रक्चर डैमेज होता है, कहीं पे भी फूटता है टूटता है, तो फिर वो ऐसे स्ट्रक्चरल पार्ट्स के जो जॉइंट्स है वो अच्छे से होने चाहिए सो दैट वो इजीली टूटे ना और अपने स्ट्रक्चर को हार्म ना करे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल डिजाइन प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 खत्म होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट यूनिट में हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्ट्रक्चर. ओके, सो अभी के लिए थैंक यू.